Hello students, my name is Suman. Welcome to my YouTube channel Study With Suman. But in this video, I am going to take class 8 English course book on dew of NCERT pattern. In this video, I am going to explain the poem School Boy. School Boy, what it means? This poem is about a school boy. It is written by William Blake. Its poet is William Blake. स्कूल बॉय मिस क्या आता है स्कूल वाला लड़का जो खुश नहीं है वो क्यों खुश नहीं है क्या क्या बातें हैं क्या वो सोचता है बड़े थिंक्स वे कम्पेयर्स हिमसेल्फ ऑल दिस इज इन दिस पोएम स्टार्ट द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो बच्चा जो है वो खुश नहीं है वॉट मेक हिम अनहैप्पी वो क्यों इतना उदास है ना खुश है उसे किस चीज ने इतना दुखी किया है व्हाई does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that withers when it should blossom वह स्वयं की तुलना एक पक्षी से जो कि पिंजरे में रहता है और एक ऐसे प्लांट से क्यों करता है जो सूख चुका है जब उसे और कब when should blossom जब उस पर फूल खिलने चाहिए थे उस समय वह स्वयं की तुलना उससे क्यों करता है क्यों कंपेयर करता है अपना Now, अब इसमें जो पॉइंट है स्कूल बॉय के थ्रू बात कर रहा है आई लव टू राइज एन समर मोन मैं गर्मियों में सुबह उठना पसंद करता हूँ द दर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री जब पक्षी जो है हर वृक्ष पर चाहते हैं उस पर गाना गाते हैं गीत गाते हैं द डिस्टेंट हंड्स तो दूर कोई शिकारी जो है अपना बिगुल बजाता है एंड द स्काई लॉक सिंग्स विद मी और जो चातक पक्षी हैं वो मेरे साथ गाता है ओ व्हाट स्वीट कंपनी हमारी जो कंपनी है हमारी संगति जो है हमारे साथ जो है वो कितना अच्छा है कितना मधुर है बट टू गो टू स्कूल अ समर मॉन लेकिन गर्मियों में सुबह स्कूल जाना ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे इससे क्या आता है सारी जो खुशी है वो चली जाती है मेरे साथ छू जाती हैं अंडर क्रूअल आई आउट द लिटल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड इसमें इसमें क्या कहता कभी कि छोटे छोटे बच्चे लिटिल वंस पूरा दिन स्पेंड द डे अपना पूरा दिन कहाँ बिताते हैं अंडर आ क्रूअल आई आउट एक निर्दयी नज़र के नीचे इनकी वो जो टीचर्स हैं जो उनके अध्यापक हैं उनकी नज़र को वो क्रूअल कहा गया है इसमें क्योंकि स्कूल जाना पसंद नहीं है इन साइंग एंडस में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आहें भरते हैं निराश होते हैं क्यों क्योंकि तो उन्हें बाहर खुली हवा में जाकर खेलना पसंद है उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है देन टाइम्स आर ड्रोपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एंड एलेक्शा तब मैं ड्रोपिंग मतलब झुका हुआ तब मैं झुक कर जो है अपनी कक्षा में बैठा रहता हूँ एंड स्पेंड मैनी एंड एलेक्शा और कई घंटे का समय लक्ष्य में बताता हूँ नॉट माई बुक कनेक्टेक लाइट नॉट सेट इन लर्निंग्स बॉर ना तो मैं अपनी पुस्तक से कुछ मिलता है मुझे ना तो मैं खुश होता हूँ अपने पुस्तक से पढ़ के नॉट सेट इन लर्निंग्स बॉर ना ही मैं जब वो कुछ सीखते हैं कुछ सिखाते हैं वॉन अ डेरी शॉर तब मैं उस नीरस ज्ञान के डेरी मीन्स नीरस उबाऊ जो हमें बहुत बोरिंग लगता है उस ज्ञान की उस जो लर्निंग्स हैं जो हमें सिखाते हैं जो शिक्षाएं मिलती हैं वो एक बहुशाल है उसका एक पूरा पूरा झरना बहता है यानी कि बहुत सारा हमें ज्ञान मिलता है मैं उसकी बैठ उसमें बैठ कर शॉप में उसकी छाया में बैठ कर मैं कुछ भी सीख नहीं पाता हूँ मतलब क्यों क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ मेरा ध्यान जो पढ़ाई में नहीं होता है इसलिए मैं कुछ भी सीख नहीं पाता हूँ वो कहता है कैसा क्यों होता हाउ कैन द बर्न दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सीट एंड सिंह जैसे कि एक पक्षी जिसका जन्म ही खुशी के लिए हुआ है आनंद के लिए हुआ है वो जब एक पिंजरे में बैठा है तो वो कैसे गा सकता है हाउ कन चाइल्ड वन फील्स ए नॉय उसी प्रकार से एक डरा हुआ बच्चा जो है खुश कैसे हो सकता है हाउ कन चाइल्ड फ्यू एन फ्यूज ए नॉय डरा होता है बच्चा बट ड्रूफ हिस्ट एंड विंग फॉर इज यूजफुल स्प्रे ठीक है ट्रोप सेंटर विंग ये किसके लिए है उस बर्ड के लिए है जो केज में बैठा हुआ है और उस केज में यानी कि पिंजरे बंद पक्षी जो है उसमें अपने मुलायम जो पंख हैं वो नीचे गिराता है आप देखा होगा कि पिंजरे में पक्षियों के नीचे छोटे पंख जो है नीचे गिरे होते हैं ठीक है तो अपने पंख जो है वो किस पिंजरे में बैठ कर गिराता है लेकिन उड़ना भूल जाता है फॉर गार्ट इज़ यूजफुल स्प्रिंग उड़ना भूल जाता है इसी प्रकार जो है स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है जो स्कूल में बच्चा बैठा है वो खुशी जो है खुश होना स्कूल जाता है क्योंकि उसके सामने जो है बुक्स होती हैं टीचर्स होते हैं ठीक है तो उसका उस डर होता है तो डर के कारण जो है अभी क्या कह रहे हैं अभी स्कूल बॉय कह रहा है पॉइंट कह रहा है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है बच्चा खुश है कुछ सीखने को मिलता है उसे लेकिन यहाँ जो बच्चा है वो डरा हुआ है नौ नेक्स्ट ओ फादर मदर के माता पिता जी इफ बर्ड्स आर नेप्ड एफ बर्ड्स आर नेप्ट मतलब क्या है इसमें यदि कलियों को तोड़ देंगे उन्हें तोड़ दिया जाए एंड ब्लॉसम्स ब्लोन में और फूल हवा में उड़ जाएँ एंड ऑफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप यदि छोटे छोटे पौधों को नए पौधों को तोड़ दिया जाए ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे उनके खिलने के समय ही उनकी सारी खुशियाँ आर स्ट्रिप ऑफ द जॉय उनकी खुशियों को छीन लिया जाए बाइसरो एंड केयर्स डिस तो क्या होगा तो वो हो जाएंगे निराश हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे हाउ शाल दमर आरइ इंजॉय और द समर फ्रूट्स पर, यानी कि उन पौधों पर जिनसे फूल हटा दिए जाएंगे और जिनकी जो नरम कलियाँ हैं उनसे तोड़ ली जाएंगी उन पौधों से तो उस पर गर्मी में खुशी के फूल जो हैं वो कैसे खिलेंगे अर्थात यानी कि जो बच्चा है छोटा बच्चा जो है एक छोटे से पौधे के समान है नरम पौधे के समान है यदि उसे बचपन की खुशियों से वंचित किया जाए यदि उसे बचपन की खुशियों से छीन ले जाए हर समय उसे बुक्स में भरा डालते जाओ स्कूल में बस पढ़ते रहो पढ़ तो उससे क्या होगा बच्चा बोर हो जाएगा और उसका जीवन जो है उसकी जो लाइफ है वो के साइड उसमें भर जाएगी निराश हो जाएगी और बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए छोटे बच्चे जो हैं बहुत छोटे बच्चे हैं उनके बचपन को यानी कि जो उनको टाइम है उस समय को उम्र के हिसाब से उन्हें खेलने देना चाहिए उनकी खुशियों को उन्हें खुशियों से भरते ना चाहिए देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव वेरी वेल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शॉरी विद सो थैंक यू